तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, गुरु मनुज न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। नमस्कार दोस्तों, अपनी औषध जानकारी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए एक बहुमूल्य पौधे के साथ उपस्थित हूँ, जिसका नाम है तुलसी। तुलसी का अर्थ है जिसकी तुलना ना हो सके, अतुलनीय। तुलसी को हम वैष्णवी, हरिप्रिय, विष्णुवल्लभ, सुरसा, बहुमंजरी, ग्राम्या, लक्ष्मी, होली बेसिल आदि कई नामों से जानते हैं। तुलसी हिंदू धर्म में पवित्र पौधा माना जाता है। पद्म पुराण में कहा है, जिस घर में तुलसी है वह घर मंदिर है, वहाँ न बीमारी न यम का प्रवेश हो सकता है। मृत्युशैया में स्थित मनुष्य के मुख में तुलसी डालने से आत्मा को स्वर्ग का रास्ता मिलता है। दाह संस्कार में तुलसी की लकड़ी का प्रयोग पवित्र माना जाता है। जिस मिट्टी में श्री तुलसी उगाई जाती है वह भी पवित्र है। तुलसी में स्वयं ब्रह्मा का निवास है। इसकी टहनियों में वेद व देवता एवं जड़ों में गंगा बहती है। इसकी बनी मालाएं व निर्मित भोजन विष्णु भगवान को अति प्रिय है। मालाओं को धारण करने वाला व्यक्ति भी पवित्र है। तुलसी एक औषधीय पौधा है जिसका प्रत्येक भाग स्वस्थता प्रदान करता है। इसके अनेक भेद हैं, परंतु सामान्यतः रामा एवं श्यामा तुलसी ही पाई जाती है। दोनों गुणों में समान है, केवल रंग भेद है। तुलसी का समस्त क्षुप तीव्र गंध युक्त होता है। इसके पत्तों में मिनरल्स, विटामिन्स एवं एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। इसके बीजों में प्रोटीन्स, कैल्शियम एवं म्यूसिलेज होता है। इसकी सुगंध इसमें मौजूद एसेंशियल ऑयल्स के कारण होती है, जो वातावरण को स्वच्छ एवं मनमोहक बनाती है। तुलसी का प्रयोग अनेक रूपों में किया जाता है, जैसे तुलसी पत्र स्वरस, तुलसी चूर्ण, तुलसी काढ़ा, अर्क। तुलसी श्वसन संस्थान के लिए प्रमुख औषध है। बच्चों में या बड़ों में बदलते मौसम के कारण जुकाम, गला खराब या खांसी होने पर तुलसी के पत्तों का काढ़ा, दालचीनी, काली मिर्च, इलायची मिलाकर देने पर बहुत लाभ मिलता है। ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में अति मात्रा में बनने वाले म्यूकस को पतला कर बाहर निकालती है एवं एक शोथहर अर्थात एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी करती है। ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। अस्थमा के पेशेंट्स में इसकी स्टीम या भाप, काढ़े या अर्क का आभ्यंतरिक प्रयोग अति कारगर सिद्ध है। खून की कमी होने पर इसके पत्तों का काढ़ा गुड़, किशमिश, अंजीर, आंवला के साथ पिलाने से अति लाभ मिलता है। तुलसी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक चमत्कारी औषध है। इसके पत्तों का ताज़ा रस या सूखे पत्तों का चूर्ण त्रिफला के पानी के साथ लगातार लेने से बहुत फ़ायदा मिलता है। तुलसी के बीजों का तेल भी डायबिटिक पेशेंट्स को हेल्प करता है। पेट की बीमारियों जैसे गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर्स, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस जो बहुत पुरानी हैं, क्रोनिक डायरिया, इन सब में तुलसी के बीजों का सेवन करना चाहिए। वन तुलसी के बीज जिन्हें सब्जा कहते हैं, उनमें विद्यमान म्यूसिलेज, अल्सर्स और आंतों के सूजन और पुराना डायरिया इसके लिए बहुत कारगर है। इसके लिए बीजों को कुछ देर तक पानी में भिगो दिया जाता है। उसके बाद थोड़ी देर में ये बीज थोड़े फूल जाते हैं और चिपचिपे हो जाते हैं। इन्हीं बीजों को पानी सहित या बीजों को दूध या छाछ या फिर नींबू पानी में मिलाकर पीने से अधिक लाभ मिलता है। किडनी की इन्फेक्शंस में तुलसी के पत्तों के काढ़े का लगातार सेवन किडनी के फंक्शंस को रिस्टोर करता है। पेशाब में जलन होने पर तुलसी के पत्तों का स्वरस या तुलसी के पत्तों का काढ़ा पीना अति शुभ है। मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल की अवस्था में भी तुलसी का प्रयोग फैट को कम करता है। मानसिक तनाव की स्थिति में तुलसी अर्क की कुछ बूंदों का प्रयोग हमें रिलैक्सेशन देता है। इसके तेल की सिर पर मालिश करने से स्ट्रेस भी रिलीव होता है।
तुलसी हमारी एक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली औषध है, जिस कारण हम शरीर में होने वाले संक्रमण से लड़ने में सक्षम होते हैं। अतः मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप भी अपने घर में श्री तुलसी लगाएं एवं इसका धार्मिक एवं वैज्ञानिक लाभ उठाएं। धन्यवाद।